नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कस्बा भरुआ सुमेरपुर शिव मैरिज लॉन में दिनांक 7 तारीख से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन बराबर चल रहा है। आज 7वें दिन सुदामा चरित्र कथा का आयोजन कथावाचक श्री वेदांत शास्त्री जी श्री धाम वृंदावन के द्वारा कही गई कथा में परीक्षित बिंदु पति राम बहोरी शिवहरी ने कथा सुनी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने कथा को सुनने में अपना उत्साह दिखाया। कार्यक्रम में केपिंटर कॉलेज के प्रबंधक राजेश शिवहरी भी उपस्थित रहे। आज की कथा में रामचंद्र शिवहरे, रंजन मिश्रा, अरविंद श्रीवास्तव, मोनिका रामबालक शिवहरे, माया मनोज शिवहरे, अर्चना प्रदीप शिवहरे, हर्ष शिवहरे, संतोष रामविलास शिवहरे, रेखा राम प्रकाश, दिव्यांश भी मौजूद रहे। कल दिनांक 14 नवंबर को भंडारा एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। तुम कहा करते थे कि हम शादी आदि नहीं करेंगे, शादी आदि की कि नहीं की कि ऐसे ही हो अकेले। बोले मित्र, इच्छा तो नहीं थी शादी की, पर पिताजी ने बड़ा आग्रह किया, बड़ी जिद की, ना चाहते। अगर आपसे एक बात कहे, बोला भगवान पति देव जब पत्नी का नाम लेता है तो मुंह में रसगुल्ला भूल जाता है, कितना फिर हंसेगा। आदम पूछे, भैया भाभी को नाम बताओ तो पहले मुस्कुराएगा बाद में बताएगा। सुशीला का नाम बताते ही सुदामा मुस्कुराए, भैया लाला तेरी भाभी को नाम सुशीला है, चार भतीजे भी है तेरे, मैं ऐसो अकेलो पूरा बंगाल है तेरी कृपा पर। भगवान कहते तो बड़े अटपटे हो, शादी कर ली हमें बुलाया है। सुदामा जी कहते रहते रहते ज्यादा मजबूत, चल एक शादी में जल्दबाजी होगी, मैं आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।